नमस्कार दोस्तों, हेल्थ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हल्दी वाले दूध की, जिसको पीने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं हल्दी के बारे में और हल्दी के दूध के बारे में या हल्दी के पानी के बारे में। सीधा कहने का मतलब है, हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन क्या करता है और क्या नहीं करता है, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी ही टिप्स देता रहूंगा। और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए भी लाभदायक हो सकता है, इसीलिए आप लोग इसको शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं हल्दी के बारे में और हल्दी के दूध के बारे में। हल्दी करी का एक मुख्य आहार है। सभी जानते हैं ये बात कि हल्दी से जो है आहार या हम लोग जो सब्जी बनाते हैं वो टेस्टी बन जाती है। स्मेल जो होती है वो हल्दी की बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी कई जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सी बीमारियों को दूर करती है। बहुत से ग्रंथों में हल्दी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे कि हल्दी एक चमत्कारी फल है। बहुत सी जड़ी बूटियां जैसे कि दालचीनी, लहसुन, अदरक, इन सभी में हल्दी को प्रमुख माना गया है। बहुत बार तो यह माना गया है कि हल्दी बहुत सी दवाइयों के अकेले बराबर है। कुछ अध्ययनों के आधार पर तो यह भी पता चलता है कि यह अन्य केमिकल दवाइयों से बहुत ही अधिक बेहतर है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, और वो नुकसान क्या हैं वो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हल्दी से क्या नुकसान हो सकते हैं यदि इसको एक मात्रा से ज़्यादा लिया जाए तब। कुछ लोगों का मानना है कि इसको अधिक मात्रा में खाने से एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होता है। त्वचा के ऊपर लाल रंग के रेशे बन जाते हैं, खुजली चलने लगती है, इसीलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में हल्दी का सेवन करने से ये नुकसान भी हो सकते हैं। जी मतला सकता है, डायरिया हो सकता है, मासिक धर्म में बेकार रक्त का प्रवाह तेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट बढ़ जाते हैं, गर्भवती महिलाओं में गर्भाशय का संकुचन, धमनियों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, यह बड़ी तेजी से पित्त बनाता है, और यदि आपके पित्ताशय में समस्या है तो यह आपकी समस्या को और भी बढ़ा देगा। यदि पित्त की थैली में पथरी की समस्या है तो यह आपको और भी बढ़ा देगी। हल्दी वाला दूध पीने से स्पर्म काउंट की संख्या कम हो जाती है, हो सकता है नपुंसकता का भी शिकार हो सके, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से है कम मात्रा में लेने से ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। जो लोग खून बढ़ाने के लिए आयरन वाले आहार खा रहे हैं, यदि वो साथ में हल्दी का दूध भी सेवन कर रहे हैं तो यह शरीर में आयरन को नहीं बनने देगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा बंद कर दें। खून का थक्का नहीं बनने देता है, तो किसी की अगर सर्जरी हुई है तो उसको खून का थक्का नहीं बनेगा अगर आप लोग हल्दी के दूध का सेवन कर रहे हैं तो। किसी को चोट लग गई है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, तब आप लोग हल्दी के दूध का सेवन कर सकते हैं। तो ये थे हल्दी को अधिक मात्रा में लेने से उसके नुकसान हो सकते हैं। तो क्या फायदे हैं यदि हम लोग एक लिमिट में हल्दी की मात्रा का सेवन करें तब। यह एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है जो सूजन को कम करती है, यह तनाव को कम करती है, कीमोथेरेपी में उपयोग में ली जाती है जो कि कैंसर के इलाज में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, दर्द निवारक है, शुगर में लाभदायक है, गठिया बाय रोग में उपयोग में ली जाने वाली हर्ब्स इसे कहा जाता है, यह एक प्रकार की कोलेस्ट्रॉल ड्रग है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होती है, स्टेरॉइड एक प्रकार की ड्रग भी इसे कहा जाता है कि यह ताकत देने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। हड्डियों के लिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर यह आपके शरीर को मजबूत बनाता है और साथ ही आप लोगों की हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। कहते हैं कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम हल्दी आसानी से कर लेता है। डायबिटीज, शुगर के अंदर बहुत सी जरूरी है आप लोग हल्दी जो है वो इस्तेमाल में लें। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर में इंसुलिन बहुत ही कम हो जाता है, तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। शुगर के अंदर हल्दी से अच्छा आहार नहीं होता। कुछ अध्ययनों के अनुसार आपके शुगर को विपरीत कर देती है हल्दी। कहने का मतलब है, शुगर जैसा होता है वैसे ही ठीक भी होता है, रिवर्स प्रोसेस चला देती है हल्दी। करक्यूमिन बहुत अधिक फायदेमंद होता है। मेथफॉर्मिन एक केमिकल दवाई होती है जो कि इंसुलिन को बढ़ाता है, इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी टल सकता है। बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, कहने का मतलब है आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, पाचन क्षमता जो है वो तेज कर देता है। जिन व्यक्तियों की पाचन क्षमता बहुत कम होती है, कहने का मतलब है भोजन नहीं पच पाता है, आधा चम्मच आप लोग हल्दी का खाएं, आपकी पाचन क्षमता बहुत मजबूत बनेगी और आपका खाना भी जल्दी पच जाएगा।
कैलेस्ट्रॉल नियंत्रक, जो कैलेस्ट्रॉल की वजह से हृदय जो है उसकी जो बीट है वो धीरे धीरे चलने लग जाती है, आप लोग उसे एक नियंत्रक नियमित समय से चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा यदि आप लोग ऐसा करते हैं कि हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों का जो कैलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह एक चम्मच गर्म पानी में आप लोग आधा चम्मच हल्दी का मिलाकर पिए, ताकि आप लोगों का जो कैलेस्ट्रॉल है, जो LDL कैलेस्ट्रॉल है जिसकी मैं बात करता हूँ, वो कम हो सके और आपको हृदय से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उससे आप लोगों को छुटकारा मिल सके। कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं से लड़ता है हल्दी। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, सभी जानते हैं, जो कि खून को साफ करती है, साथ ही साथ एक इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, खून को भी नहीं जमने देती, साथ ही साथ कैंसर से होने के चांस भी नहीं रहते, सूजन को कम करती है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन रसायन सूजन को कम करता है, जो कि दवा के रूप में बहुत ही अच्छा होता है। सूजन को कम करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकालने में बहुत सहायक है हल्दी। सुबह सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद, आधा कटा हुआ नींबू, चुटकी भर हल्दी डालकर इस्तेमाल में लें, जो टॉक्सिन्स को बहुत ही जल्दी बाहर निकालेगा, मलमूत्र के जरिए या पसीने के जरिए। चेहरे का निखारने के लिए भी हल्दी जो है वो बहुत ही उपयोगी है। आप लोग हल्दी से अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं अट्रैक्टिव, या आप लोग कह सकते हैं कि चेहरे का ग्लो जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग हल्दी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।